अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, और सैटरडे को सुबह बच्चे 9 बजे तक उठ गए थे, क्योंकि वो एक रूटीन बना हुआ होता है। तो बस बच्चे उठ गए थे 9 बजे तक, तो फिर मैंने उनका नाश्ता वगैरह बना दिया था। आज उनका ये इरादा था स्प्रेड वगैरह और बटर के साथ सैंडविच खाने का, तो मैंने बस एक स्लाइस पर बटर लगा दिया और एक स्लाइस पर स्प्रेड लगा कर इनको नाश्ता दिया। नाश्ता वैसे करके मैं बच्चों को पढ़ाना बिठाना था, उसके बाद मुझे आज मम्मा की तरफ जाना था, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को सूट्स दिखाए थे, तो बस वो मुझे टेलर को देने थे, तो उसके लिए मुझे अपनी मम्मा की तरफ जाना था। तो बस मैंने कहा आज सैटरडे, तो बच्चों को मैंने फ्राइडे को और सैटरडे मॉर्निंग में ही इतना पढ़ा लिया था कि बच्चों का होमवर्क भी कम्प्लीट हो गया था और बच्चों की जो सेल्फ स्टडीज़ हैं वो भी हो गई थी। तो बस मुझे ये था कि मम्मा क्या जाना था, एक रात रुक जाऊँगी, क्योंकि टेलर के पास जो बाज़ार जाओ ना, तो फिर आपकी ना वापसी की ना हिम्मत नहीं होती, आप सोचते हो कि ना वो फिर चले जाओ ना, रुक जाओ ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस मैंने फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह देकर साथ ही स्लाइस पे जैम जेली वगैरह जो ये भी होता है ना, तो इस दफ़ा सैटरडे का नाश्ता जो ना हल्का फुल्का ही रखा। तो बस ये था, मम्मा की तरफ जाने की तैयारी भी करनी थी, मैंने कहा पहले बच्चों को अच्छे से तैयारी करा दूँ, बच्चों को पढ़ा दूँ, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद फ़ौरन ही फाइनल टर्म शुरू हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए 11 बज रहे हैं सुबह के और बच्चे पढ़ने बैठ गए थे। मैंने कहा यूनिफॉर्म भी प्रेस करके जाऊँ, ताकि संडे को ना लेट हो ही जाता है, चाहे मैं कितना भी प्लान कर लूँ कि मैं 4 बजे आ जाऊँगी, 5 बजे आ जाऊँगी, 8 बजे आ जाऊँगी, होता ही नहीं, वही 9:30, 10:30 का टाइम बच जाता है, और उसके बाद स्कूल घर आके वापसी में यूनिफॉर्म प्रेस करना मुश्किल काम लगता है। तो मैंने सैटरडे को यूनिफॉर्म प्रेस कर लिए थे, फिर अब जाने की तैयारी कर रही थी, बच्चे भी पढ़ चुके थे, हमें निकलते निकलते 1:30-1:30 बज गया था। तो दोपहर में मम्मा के मेथी आलू पक रहा था, तो मम्मी मेथी वगैरह ये सब कर रही थी, और चॉपिंग और कटिंग वगैरह, मेथी तोड़ना वोड़ना होता है, तो मम्मी बनाती है ना, तो वो मेरे लिए भी सन से बनाती हैं कि शान मैं आऊँगी तो फिर जो है ना खान ये मेथी आलू बना लूँ, कि मैं अपने घर में मेथी आलू नहीं बनाती, क्योंकि बस वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मम्मा बना रही हैं तो मैं उसी में ही ट्राई कर लूँगी, वो मेरे लिए रख लेती हैं, या मैं आ रही होती हूँ तभी बनाती हैं। तो बस शाम का टाइम हो चुका था, मैंने कहा चलें आपको व्यू दिखाऊँ, ये है हमारे मोहल्ले का व्यू, और बच्चे बाहर खेल रहे थे और मेरे भाई जा रहे थे, और बस बच्चे अपने नानी के आने का मज़ा यही होता है कि बच्चे जो है ना बाहर एक्टिविटी वगैरह बैट बॉल बैडमिंटन ये सब खेल लेते हैं। उसका रीज़न ये कि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो है ना नीचे जाने का रुझान नहीं है, और बच्चे अगर नीचे चले भी जाएँ तो पार्किंग एरिया में खेलते हैं, तो बच्चों को इस तरह से रोड नहीं मिलता, तो बच्चे खूब इंजॉय कर लेते हैं नानी के आकर, और मेरा भी एक ब्रेक मिल जाता है, क्योंकि हम जो घरेलू औरतें उनके लिए यही एक्टिविटी है कि बच्चे हम लोग अपनी अम्माओं के यहाँ चले जाएँ। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, सबका मैका सलामत रखे, क्योंकि मैका बहुत अहम रखता है हम लोग की लाइफ में। तो बस मुझे मिट्टी के बर्तन भी लेने थे, आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर सकी, क्योंकि वो एक तो हालात इतने ख़राब हैं कि आप ना बाज़ार को मैं शेयर कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसा से ऑर्डनरी ना एक जो आम से बाज़ार होते हैं, मैं बाज़ार गई थी, लेकिन मेरा ये हुआ कि मैं मोबाइल लेके नहीं गई, और मैंने मिट्टी के बर्तन भी जब ख़रीदे तो मैं नहीं कर सकी उसको व्लॉग में शेयर, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि हालात ठीक नहीं है, तो मैं मोबाइल लेके बाहर खड़ी हो नहीं सकती थी, तो मेरे साथ तो मेरे पूरे घर वाले ही बाहर खड़े हुए थे जब मैं मिट्टी के बर्तन ले रही थी। तो मैंने बच्चों ने भी ग्लास ले लिए, मेरे भतीजे भतीजी हैं उन्होंने भी ग्लास, ये सब मिट्टी के बर्तन वगैरह खूब अच्छा एंजॉय किया हमने। तो पहली दफ़ा मैंने ऐसे मिट्टी के बर्तन लिए, मुझे शौक उठा कि मैं मिट्टी के बर्तन में हाँ ये पकाऊँ वगैरह, तो मैंने कहा चलें ले लेती हूँ, अल्लाह करे पका लूँ, मुझे उम्मीद आने के बाद लेने के बाद मुझे एहसास हो मैं मिट्टी के बर्तन पकाऊँगी, शौक में ले तो लिया है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी मैं पकाऊँगी ज़रूर, और ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अगर पकाया तो क्या पकाया। तो बस ये बच्चों को पानी पीने का ये लेना था, और ये काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ना ये मिट्टी के जो बोल्स होते हैं तो ये लेंगे, क्यों अर्थवल में दिखाया जाता है ना जैसे ड्रामे में, तो बच्चों को बड़ा शौक़ था, ले वो ले ही लिया आखिरकार। और बस मैंने प्लास्टिक के दो तरह के ना बॉक्सेस लिए थे रमज़ान के लिहाज से ना, कि एक मैं चाट वगैरह करके रख दूँगी, और इस तरह से लकड़ी का ये चमचा लिया क्योंकि मेरे ख़राब हो गए, और स्पैचुला ले लिया था, और सबसे अहम चीज़ जो मुझे लेनी थी वो ये थी बेकिंग पैन, यानी कि जिसमें केक बनता है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे बेक करना है, तो उसके लिए मेरी और मैं फ़र्स्ट टाइम बेक करूँगी केक, तो मुझे था कि ये वाला चाहिए क्योंकि इसके बगैर बन नहीं सकता।
तो बस मैंने ये वाला बेकिंग पैन ले लिया, जो है ना केक बेक जो वाला पॉट होता है वो ले लिया था, और मुझे पिज़्ज़ा पैन भी लेना था, वो मुझे मिला नहीं, तो बस ये मिल गया था। साथ ही हमने गुल्लक ख़रीदी थी। हुआ ये कि गुल्लक लेने का रीज़न ये था, हमने एक बॉक्स बनाया हुआ था जिसमें बच्चे हैं और मैं ना पैसे वगैरह हम लोग जमा करते हैं, लेकिन उसका मसला ये हुआ कि जब कभी खुले पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, 100 रुपये, 200, 50 रुपये, ये सब से जो खुले पैसे होते हैं, तो हम इसी बॉक्स में से ना उसको और उसका बड़ा मुँह कर लिया हमने, जो उसका जो बॉक्स हमने बिल्कुल छोटा सा बनाया हुआ था उसको बड़ा करके हम उसी में से खुले निकाल रहे थे। अब बच्चे तो होते हैं ना कि जैसे भाई अब जमा करने का फ़ायदा क्या है मामा, आप आपको ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है, आप इसी में से निकाल के दे, आप बेहतर हमें गुल्लक ला दें। तो फिर बस मैंने बच्चों के लिए गुल्लक ख़रीद ली थी, मैंने कहा ठीक है फिर इसको ये है कि अब गुल्लक लेकर इसके सारे पैसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बहुत लंबा टाइम हो जाएगा इसको डालने में, तो बस मैंने कहा आधे पैसे डाल दो आधे पैसे रख लो। अब फिर नए सिरे से देख सकते हैं कितना बड़ा मुँह खुल चुका है इसका, कि इसी में से हम दोबारा पैसे भी निकालने लगे थे। तो मैंने कहा बस सही है, आधे पैसे डाल देते हैं, आधे पैसे वैसे ही रख लेते हैं खुले, और अब से जो है ना इस मंथ से जो है ना हम रोज़ अपने पैसे डालना शुरू कर देते हैं गुल्लक पे। तो बच्चों को बहुत शौक़ होता है ना पैसे जमा करने का, और ये बहुत अच्छी आदत भी है बच्चों में होनी चाहिए, हर चीज़ सब पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, उसको जमा करना भी चाहिए। तो बस ये व्लॉग था आज का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।